मैडम सर, वो हम ये कहना चाह रहे हैं आपसे आज कि आपका जन्मदिन बोलना चाहते हैं ना तो नहीं बोल पाते हैं, समझ रहे हमारी बात को? तो भग नहीं होगा हमसे, ये हटाओ, कैमरा हटाओ, हटाओ इसको हटाओ। नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, हम सब वीडियो बना रहे हैं ना, आप भी बनाएंगे तो मैडम सर को बहुत अच्छा लगेगा, एक बार फिर से ट्राई करते अच्छे से बनेगा। ओके अच्छा कोई बात नहीं मैडम, आप ना हमारा वाला वीडियो दिखाइए, प्रेरणा मिलेगा मैडम को। तूने तो सिर्फ हैप्पी बर्थडे मैडम सर ही तो बोला है। हाँ तो प्रेरणा तो उससे भी मिलेगा ना, देखिए ना। नहीं चाहिए हमको तुम्हारा प्रेरणा, जाओ उधर जाके खेलो, जाओ। आ जाओ बाबू, मारे मार रानी मार। मैडम एक बार लास्ट बार ट्राई करते, एक बार गहरी सांस ले लीजिए और अच्छे से वीडियो बनेगा, ठीक है? हाँ तो ठीक है, करते एक बार और प्रयास, काहे नहीं हो सकता हमसे, बिल्कुल हो सकता है। मैडम सर आज आपका हैप्पी बर्थडे है और आपके लिए हम वही सोच रहे थे कि आपके लिए क्या गिफ्ट लिया जाए। नहीं हमको समझ में नहीं आ रहा है इसमें हंसने का क्या बात है पुष्पा जी, खीसे काय ने पोर रही हैं आप, समझाएंगे हमको? नहीं वो मेंढकी के मुंह से कोयल की आवाज सुनाई दे रही है ना, तो इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी हंसी आई। अच्छा बाप रे बाप, पुष्पा जी वाह, गजब पुष्पा जी, ऐसे दिन भर मैडम को पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, बस ये मेंढक बाकी रह गया था, वो भी कसर पूरा कर दिया। ए मिठल्ले, अरे मेंढक नहीं, मेंढकी बोले है, मेंढकी 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 बोले ना, बस जाओ जाके बैठ जाओ, जाओ खेलो जाओ। हाँ, और पुष्पा जी हमको समझ में नहीं आता है आपका, नहीं मतलब हम क्या करें, हम आपकी हिम्मत का दाद दें या फिर आपकी जो मूर्खता है ना उस पे अफसोस करें, अफसोस वाला ज्यादा बेटर रहेगा। क्या बोल रहे हैं आप, मेंढकी, ये जो ये बेसुरी, ये जो सड़ा हुआ मेंढकी का आवाज है ना, इसी पे लट्टू होके ना आपके लल्ला वो बिहा कर घर लाए थे आपके, हाँ इसी के लिए ना सोते जागते गीत गाते रहते हैं प्यार मोहब्बत के, समझ रहे हमारी बात को? तो करेगा भी क्या बेचारा हमारा लल्ला, हाँ अब जो ढोल गले पड़ गया है उसे ही बजाएगा ना, और कोई विकल्प है हमारे गरीब भोले बेचारे मासूम लल्ला के पास? और अगर इतना ही आपके मन में प्यार का झरना उमड़ रहा है ना, तो दो चार बूंदे मैडम सर के लिए भी बरसा दीजिए ना। हाँ कर रहे हैं आप, चुप बैठेंगे तो करेंगे ना। हाँ अभी शांति, अभी खत्म करो इसको। हाँ मैडम सर, आज आपका हैप्पी बर्थडे है और हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप क्या सबकी सब, हाँ उठो निकलो, चलो निकलो बाहर, निकलो निकलो, तुम क्या निकलो, निकलो तुम भी निकलो यहाँ से, चलो बाहर निकलो, चलो चल, बड़ा हंसी आ रही है ना सबको। मेरा प्ले टाइम डैड, दिमाग खराब कर दिया हमारा। हाँ तो मैडम सर हम ये कह रहे थे कि आप कहाँ हो रही है? हाँ सर, तू देखना चाहती थी कि अब आप वीडियो अच्छे से बना रहे कि नहीं। हाँ हाँ मैं हाँ, मैं? हाँ। सिर्फ संतु चेक करने आई थी तो सिर्फ संतु का ही नहीं है, बक करना ही नहीं है हमको, ये नहीं करना है हमको, ये हम खुद से कर लेंगे, ठीक है? हमें किसी का जरूरत नहीं है, आप सब लोग जाइए यहाँ से। हाँ ठीक है, घर पे जाके रिकॉर्ड कर लेना, लेकिन याद से आज ही रिकॉर्ड करना क्योंकि कल मैडम सर का बर्थडे है ना, है ना? जी जी। वैसे मैडम सर का आने का टाइम तो हो गया, आई नहीं अब तक। अरे बस आती होंगी, कहीं अटक गई होंगी ना। हाँ मम्मी कहिए क्या हुआ? सालगिरह मुबारक हो मेरी बच्ची, हैप्पी बर्थडे। वाह क्या बात है अम्मी, अब ये दिन आ गए हैं कि हमारी खुद की अम्मी हमें फोन पर जन्मदिन की मुबारकबाद देगी, कमाल की बात है। वैसे अम्मी अब आपको मान लेना चाहिए कि आप बूढ़ी हो चुकी हैं, क्योंकि हमारा जन्मदिन आज नहीं कल है। हमें मत सीखा, अम्मी है तेरी, हमसे ज्यादा कौन अच्छे से जान सकता है तेरी सालगिरह के बारे में, हम 7 तारीख कभी भूल सकते हैं भला? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं भूल सकती आप, इसलिए 6 तारीख भी आपको 7 तारीख की लग रही है। मतलब आज 6 तारीख है, हमारा जन्मदिन कल है। ठीक है ठीक है, कल कौन सा अगले साल आने वाला है, कल भी तो कल ही आएगा, फिर से दे देंगे मुबारकबाद। अच्छा हुआ तूने बता दिया, हमने तो आज ही तेरे सारे पसंदीदा खाने की तैयारी शुरू कर दी थी, सारी मेहनत बेकार जाती। कोई बात नहीं, कल फिर से बना देंगे सब फ्रेश फ्रेश। और सुन तेरे खाने में से सबको कल खाने पे बुलाना। अम्मी अम्मी रिलैक्स, उनमें से किसी को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, वो वैसे ही याद धमकेंगे।
वो तो बहाना ही ढूंढते हैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए, खीर खाने के लिए, तो आ जाएंगे वो, ठीक है? चलिए अब हम फोन रखते हैं, हम बस थाना पहुंचने वाले हैं। ओके बाय। अरे 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 उठिए 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 उठिए, आराम से संभाल के उठिए उठिए। I'm so sorry, आपने देखा नहीं आसपास आप? अरे मैडम मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं, और मुझे जाना है मैडम। नहीं नहीं, आपको बहुत चोट लगी है, रुकिए रुकिए रुकिए, देखिए सुनिए, हम आपको डॉक्टर के पास लेके चलते हैं, फिर आपको जहाँ जाना है हम ले चलेंगे, चलिए। अरे मैडम आप समझ क्यों नहीं रही, मुझे कहीं जाना है, मुझे ये डिलीवरी करना है, आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। आप हमारे साथ पहले डॉक्टर के पास चलिए, आइए आइए, कुछ नहीं होगा, चलिए मैडम, चलिए चलिए पहले डॉक्टर के पास चलिए, आप बैठिए गाड़ी में, बैठिए। आप हसीना मलिक है ना? SHO महिला थाना, काफी सुना है आपके बारे में। जी, और आप? सत्या, सत्या चौबे। माफ कीजिए, हमारी वजह से आपको चोट लग गई। नहीं नहीं, गलती मेरी थी, मैं जल्दी में था। लेकिन आप इतनी जल्दी में हैं ही क्यों? ना आपने आगे देखा ना पीछे देखा, अगर कोई और गाड़ी होती तो शायद आपको ज्यादा चोट लग जाती या शायद आपकी जान चली जाती। जान प्यारी नहीं है आपको? जान किसे प्यारी नहीं है मैडम, फिर भी इतनी जल्दबाजी। मैडम ये डिलीवरी मुझे सही जगह पर सही समय पे पहुंचानी है। अपने काम के लिए डेडिकेशन बहुत अच्छी बात है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, सो प्लीज जरा ध्यान रखिएगा। और वैसे भी डिलीवरी तो है, अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो कौन सी कयामत आ जाती। मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी कयामत आ ही जाएगी। क्यों, ऐसा क्या है इस बैग में? मैडम आप प्लीज गाड़ी रोकिए, मुझे उतरना है, मुझे जल्द से जल्दी डिलीवरी करनी है। अब समझ क्यों नहीं रही, मैं उसके बाद अपना इलाज करवा लूंगा। मैडम आप प्लीज गाड़ी रोकिए। मैडम आप अगर मेरी जगह होती तो अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान की परवाह करती, सबसे पहले अपना फर्ज निभाती ना। जी हाँ, हम अपना फर्ज ही निभा रहे हैं। देखिए फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी है आपको डॉक्टर के पास ले जाना और आपको मेडिकल अटेंशन दिलवाना। एक बार वो हो जाए कि फिर आप जहाँ जाना चाहते हैं हम आपको खुद लेकर चलेंगे, ठीक है? ये डिलीवरी करवाने में हम आपकी मदद करेंगे, सो प्लीज रिलैक्स, शांति से बैठिए और हमें हमारा काम करने दीजिए, बस आइए। अगर पुलिस जीप यहाँ है इसका मतलब वो दोनों इसी हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर मैडम आप समझ नहीं रही, मुझे जल्दी ये डिलीवर करना है। मैडम आप समझ नहीं रही। हाँ हाँ हम सब समझते हैं, हम बस यूं गए थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज करके और हम डॉक्टर को लेकर आएंगे, ठीक है? आप बैठिए, हम बस यूं गए और यूं आए, बैठिए प्लीज प्लीज बैठिए बैठिए। अरे आप अंदर कहाँ जा रहे हो इस वार्ड में? जी वो वार्ड में एक पेशेंट है तो हम उसी को मिलने जा रहे हैं। हाँ बस उसी से थोड़ा। जी अरे जरा संभल कर चलना, अभी मेरी दवाई गिर जाती तो। नर्स और तुम लोगों को इतना क्या जल्दी है, पेशेंट है, पेशेंट भी तो देखो ना। अरे कहाँ चला गया? माँ ये टी बैग
मुझे देना, मैं आज ग्रीन टी पीऊंगा। पेट देखो कितना बाहर आ गया, ऐसा अंदर जाना चाहिए। ये टी बैग नहीं है, फिर ये तावीज है, तावीज। ओ माय गॉड, अभी समझा, ये और एक टोटका है अपने बहू को वश में करने का। आई एम राइट? ये अच्छा है पुष्पा जी, कम से कम वो बरगद के पेड़ पे चढ़ के जो टोटके करती थी ना, उससे तो बहुत अच्छा है। क्या कुछ भी बके जा रहे। अरे ये तावीज तो हमने मैडम सर के लिए बनवाया है कि भगवान उन्हें हर बला से सुरक्षित रखे। कल देंगे हम उन्हें उनके जन्मदिन पर, मतलब सरप्राइज के जन्मदिन के बाद। नहीं नहीं माँ, मैडम सर के बर्थडे के सरप्राइज के बाद। पैसा बहुत आती है। हाँ? बड़ा बड़ा करछी देख लिया, लेकिन आप जैसा बड़ी चम्मच नहीं देखा हमने। हाँ? ना मतलब कुछ भी मौका नहीं छोड़ती आप मैडम सर को मक्खन लगाने का। मक्खन नहीं लगा रहे हम। अच्छा, ये हमारा प्यार है, ये सम्मान है उनके लिए। मगर आपको कहाँ पता है सम्मान क्या होता है, प्यार क्या होता है, क्योंकि आपको तो किसी को सम्मान देना ही नहीं आता। अच्छा लो कल लो बात, हमको सम्मान देना नहीं आता। देखो देखो संतू क्या कह रही है, हमें इज्जत करना नहीं आता, क्या हम इनका सम्मान नहीं करते? तुम हाई तो तुम ना। हाँ हाँ, अरे करती है वो, भर भर के हमारा सम्मान करती है। आप सारी दुनिया तो देखती है रोज, कैसे हमारा सम्मान करती है, कैसे घर का सारा बदला यहाँ थाने आकर लिया जाता है हम पर, है कि नहीं संतू? नहीं नहीं, ये इनबिल्ट इनका प्रतिभा है, कैसे यहाँ का बात वहाँ ले जाए ना, यही करती आई है, यही करती रहेंगी। और क्या है ये, क्या मोर बन रहे हो तुम? हाँ, क्या दिक्कत है तुम्हारा? आपके तीन और उनके तीन पॉइंट हो गए। हाँ हो गया, बराबर हो गया ना, खत्म करो। जब हमने कह दिया था कि मैडम सर का जो सरप्राइज है वो सरप्राइज ही रहना चाहिए, तो आप अपना चमची का घुमा रही है बीच में, हमको समझ में नहीं आता ये सरप्राइज क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन, मीरा जी कम विद बिल्लू निवास। ओके, इधर ही एक्सप्लेन करते हैं। ये कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा है बिल्लू आजकल? मीरा जी, मैं आपको बताता हूँ सरप्राइज क्या होता है। सरप्राइज वो होता है जब आपके सामने आपके लिए कोई गिफ्ट रखे और वो गिफ्ट देकर आप चौंक जाती है ऐसे, ओह माय गॉड, उसको कहते हैं सरप्राइज। ओके सरप्राइज, किसी को अचानक बिना बताए कुछ दे देना, वही सरप्राइज है। एकदम सही, आपकी बात की प्रामाणिकता जांच रही थी बिल्लू जी, पर आपने कहा था सरप्राइज मिलने के बाद लोग खुश होते हैं, आप तो दुखी लग रहे हैं, कंफ्यूज्ड ह्यूमंस। अरे बदनाम भाई, बदनाम भाई, मैडम सर, मैडम सर, जय हिंद, जय हिंद मैडम सर, जय हिंद, जय हिंद। ये तो सत्या का बैग है, यहाँ कैसे आया? मैडम अगर ये बैग सही वक्त पे सही हाथों में नहीं पहुंचे तो वैसे भी क्यामत आ ही जाएगी। ये तो उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता है? मैडम सर, ये लीजिए बदनाम, स्पेशली आपके लिए। थैंक यू सो मच बदनाम, लेकिन हम घर से बहुत अच्छी चाय पी कर आए। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। जय हिंद। एक मिनट, यही रुकिए, यही रुकिए। पुष्पा जी आ गए, आ गए, आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे। आप अरे बाप, मैडम सर, भगवान आप पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, आपकी सुरक्षा करे। माँ बस करो, बस करो, अभी अभी मैडम सर आई है, वापस चले जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं हम अभी रख के आते। अब लग रहा है ना थाने वापस आए। हाँ, अब अपना थाना भी पूरा लग रहा है। मैडम सर, हमने और अपने थाने ने आपको बहुत याद किया। सच में हमने भी आप सबको बहुत याद किया। वो कहते हैं ना कि जहाज का पंछी उड़कर चाहे कितना भी दूर क्यों ना चल जाए, लौट कर अपने जहाज पर ही आता है। जहाज का पंछी, लेकिन पंछी इतनी ऊंचाई पर पहुंचा कैसे? संतोष जी, उड़ने वाला जहाज नहीं, तैरने वाला जहाज। हाँ ठीक है। मैडम सर, बहुत मिस किया आपको, आपके बिना ना कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है कि इस थाने के लिए जितने हम जरूरी हैं उतने ही आप सब हैं। जैसे पांच उंगलियों के बिना मुट्ठी नहीं बन सकती, ठीक उसी तरह हम सब के बिना ये थाना अधूरा है। छह उंगलियों से राशन होता है,
इस मुट्ठी के हम भी एक उंगली है। तुम्हें क्या हुआ, तुमने ये हाथ क्यों रखा हुआ है मुंह पे? वो दांत में दर्द हो गया है बिल्लू के। क्या बिल्ले, कैसे बताओ? बताओ बताओ बिल्लू बताओ। हाँ हाँ बाबा, पता नहीं दिल का दर्द दांतों में कैसे आ गया। एनीवेज करिश्मा सिंह, आप कैसी हैं? हम बहुत अच्छे हैं मैडम सर, और जैसा आप हमें जिम्मेदारी छोड़ के गई थी कि जो हमें थाना है आपके तरीका से निभाना है, हमने पूरा प्रयास किया पूरे दिल से कि हम थाना जो है आपके तरीका से निभाए। हम सब जानते हैं करिश्मा सिंह, हमारी डीएसपी सर से बात हुई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से किया है आपने करिश्मा सिंह। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। इनफैक्ट सिर्फ हम ही नहीं पूरे डिपार्टमेंट को आप पर बहुत गर्व है। गुड जॉब। धन्यवाद मैडम सर, आपका कहना हमारे लिए बहुत मायने रखता है। आगे भी हम प्रयास करेंगे कि हम आपके तरीका से चले, कोई लात घुसा नहीं। हाँ, ऐसा रिजोल्यूशन भी लिया था इन्होंने। हाँ हाँ हाँ, मैं पूरे यकीन है। नया बैग खरीदा है मैडम सर? नहीं नहीं, ये हमारा बैग नहीं है। दरअसल हमने किसी को अपनी गाड़ी से छोड़ा था, वो अपना बैग भूल गया है, और अब उसे ढूंढे कैसे हमें पता नहीं, क्योंकि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। अरे मीरा मैडम है ना, वो ऐसे ढूंढ निकालेंगे इसको। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं, मीरा हमारी मदद कर सकती है। करिश्मा सिंह, इस मामले में हम मीरा की मदद ले लें। अरे मैडम सर, ये पूछने का क्या बात है, आप मीरा का मदद ले सकती हैं, और मीरा फिर किस दिन काम आएगी? क्या बात है करिश्मा सिंह, हम जब से आए हैं आपने एक बार भी मीरा को टीन का डब्बा नहीं कहा। बहरहाल जो भी है, बहुत अच्छा हुआ है, हम इस मामले में मीरा की मदद ले सकते हैं, लेकिन कैसे, सिवाय उसके नाम की हम कुछ नहीं जानते। सत्या चौबे। मीरा, मैडम सर जो कह रही हैं, इस आदमी के बारे में पता लगाइए, सत्या चौबे नाम है, बताइए कहाँ हो सकता है अभी। ओके, वैसे मैडम सर इस बैग में है क्या? हमने खोलकर नहीं देखा। मैं देख सकती हूँ, इसमें हार्ड ड्राइव है। बता, हार्ड डिस्क कहाँ है? किस हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने पूछा हार्ड डिस्क कहाँ है, बोल। आप लोग मेरी बात मान क्यों नहीं रहे? आपके बताए हुए नाम और हुलिये के हिसाब से कोई इंसान नहीं मिल रहा है। नो मैच फाउंड। क्या, ये कैसे हो सकता है? उसने अपना नाम तो यही बताया था हमें। Is it possible कि आप उसका नाम भूल रही हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें अच्छे से याद है, उसने अपना नाम बताया था, सत्या चौबे। तो हो सकता है कि वो आदमी आपसे झूठ बोल रहा हो। आप लोग मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? तेरी बात का विश्वास करूं? नाम बदल बदल के रखता और विश्वास की बात करता, ले विश्वास, विश्वास, विश्वास। सच सच बता, हार्ड डिस्क कहाँ है, वरना जिंदा गाड़ देंगे यहीं पे, समझा? वाह, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे जाने दो। जाने दो, वो जो कोई भी है वो हमें तो जानता है, जानता है कि हम उसे कहाँ मिलेंगे, तो हो सकता है कि वो ये हार्ड डिस्क ढूंढता हुआ यहाँ आ जाए। लेट्स होप। ओके, रुको मीरा, एक बात बताओ, तुम्हारी ट्रेनिंग कैसे चल रही है? ऑल गुड मैडम सर, सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। ओके, जैसे? अबे झापड़ी के, ऐसा कान के नीचे बजाऊंगा ना, एक कान से सुरसुरी, एक कान से बांसुरी की आवाज आएगी, समझा? चल अभी पतली गली से यहाँ से थरथरा ले, वरना तुझे यहीं पे हरभरा दूंगा। खड़ा खड़ा गो। बिल्लू। जी मैडम सर। और अम्मा देखो, दिमाग का गुब्बारा तो हमारा उड़ा होगा, समझे? वरना ऐसी झाड़ू बनाएंगे ना तुमको कि जिंदगी भर कचरा साफ करने के काम आओगे, समझ लो बात को। करिश्मा सिंह। यस मैडम सर। और आज एक नया शब्द और उसका मतलब भी सीखा, सरप्राइज। जब इंसान दूसरे इंसान को बिना कुछ कहे, बिना कुछ बताए अचानक कुछ दे देता है, वही सरप्राइज होता है, जिसके मिलने पर इंसान कभी खुशी से रिएक्ट करता है, ओह वाओ ये मेरे लिए, और कभी कभी दुखी होकर रिएक्ट करता है ऐसे। ओके ठीक है, लेकिन तुम्हें अचानक से ये सरप्राइज के बारे में सीखने की जरूरत क्या पड़ गई? आपकी आने की खुशी में संतोष, बिल्लू जी और पुष्पा जी आपके लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं, पर उन्होंने ये भी कहा है कि ये बात मैं आपको ना बताऊं। अच्छा, पर वो ये भूल गए कि मैं उनके ऑर्डर्स नहीं लेती, मैं सिर्फ करिश्मा मैडम के ऑर्डर्स लेती हूँ। ठीक है मीरा, हम तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहे हैं, हम तुमसे एक ह्यूमन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या हमारी रिक्वेस्ट मानोगी? रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड, कहिए मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? बताते, लेकिन उससे पहले तुम्हें हमें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम इस बात का जिक्र भी किसी के सामने नहीं करोगी, क्लियर? प्रॉमिस। ओके, सुनो तुम्हें क्या करना है। आप लोग मुझे मार डालो, पर
फिर भी मैं यही कहूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता डिस्क के बारे में। हम भी देखते हैं तू कब तक मुंह नहीं खोला। तेरे तो हलक से खींच कर निकालेंगे डिस्क का पता। ए रुक। अम्मी हम घर आ गए। लेट नाइट वॉक पे ना चली गई हूँ। डर गई ना? सच बता डर गई ना? अम्मी ये क्या? पहले ये बता तू डर गई कि नहीं? अब आपकी उम्र इतनी हो गई है फिर भी आपका बचपना खत्म नहीं हुआ। जाना ही नहीं चाहिए। सच बताएं, वही है जो सच्ची खुशी देता है। तू बात को घुमा मत, पहले बता कि तू डर गई थी कि नहीं। हाँ हाँ डर गए थे, ये देखिए हाथ अभी तक कांप रहा है। ये बात। लेकिन अम्मी आप इतनी देर तक जागी हुई, इनफैक्ट हमें तो लगा कि आप शायद वॉक पर गई हैं। अरे तुझे बर्थडे विश करने के लिए। अब तो 12 बज गए ना, अब तो हो गई 7 तारीख, अब तो सही डेट है ना तुझे विश करने के लिए। बिल्कुल सही डेट। हेलो क्या करें सर, हार्ड डिस्क के बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं था, किचकिच करके दिमाग खराब कर दिया था, गुस्से में आके छोटे ने 2-4 एक्स्ट्रा रख दिया, मर गया साला, लेकिन हार्ड डिस्क के बारे में कुछ नहीं बताया उसने। लेकिन कुछ कुछ अंदाजा है कि वो हार्ड डिस्क कहाँ हो सकती है। पकड़े जाने से पहले वो इस पुलिस वाली से मिला था, हो सकता है कि उसने वो हार्ड डिस्क इस पुलिस वाली को दियो। समझ गया सर, काम हो जाएगा। ओके क्या बोला सर ने? बोला कि किसी भी कीमत पर वो हार्ड डिस्क हासिल करो और इस पुलिस वाली को जान से मार दो।